हेलो नमस्कार, आप लोगों का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो समान ज्ञान की सीरीज चल रही है उसके टेस्ट 13 को। तो फटाफट जुड़ जाएँ और इसको शेयर करेंगे मैक्सिमम लोगों के पास ताकि चीज़ें हो सकें। तो वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसको हमें कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। देखेंगे वन बाई वन सभी क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका जवाब करें कि राइट आंसर क्या होगा। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, टाइमर भी आपका स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट जवाब करेंगे राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से अमेरिका के संविधान से लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया इंग्लिश में आपका, ठीक है। आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये चीज़ आपका यहाँ पे रहना चाहिए था। और इसके अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें क्या है कि जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है वो क्या है कि निर्वाचित राष्ट्रपति। मौलिक कर्तव्य हमने रशिया से लिया, एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से लिया, समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, यानी फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमने रशिया से लिया, सिंगल सिटीजनशिप इंग्लैंड से लिया, और इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट है उसको हमने यूएसए से लिया, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से लिया। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और इसका जवाब करेंगे फटाफट राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन, समुद्र का स्थली भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे क्या कहते हैं। द एरिया ऑफ वाटर फाउंड व्हेन द सी इंटर द टेरिटोरियल पार्ट्स इन द इज कॉल्ड, जैसे कि आपका इस प्रकार से कोई मान लीजिए जमीन हो और होता क्या है कि आपका यहाँ पे जैसे यहाँ पे काट करके कुछ ज़मीन के अंदर जो है इस प्रकार से पानी घुस गया, तो ए वाला जो पोर्शन आपको दिखेगा इसको क्या कहेंगे, आप जो है गल्फ कहेंगे यानी खाड़ी कहेंगे, यानी आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसको क्या कहेंगे, गल्फ कहेंगे, जैसे खंभात की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी आप देख सकते हो, उधर बंगाल वाला पोर्शन है, उधर आपका म्यांमार का पोर्शन, इधर पूरा इंडिया नीचे है, तो वो पूरा पोर्शन जो है बीच में घुसा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से कहा जाता है इसको खाड़ी कहा जाएगा, गल्फ कहा जाएगा। प्रायद्वीप की बात करेंगे, जो नीचे वाला इंडिया वाला पोर्शन है यानी तीन तरफ से आपका पानी रहता है और आपका ए जो है एक साइड से क्या होता है आपका यहाँ पे स्थल होता है यानी लैंड होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, पेंसुला कहते हैं। लैगून की बात करेंगे, जैसे कि आपका तट के किनारे किनारे देखते होंगे जो गड्ढे बने रहते हैं और जब उसमें बारिश होती है या लहरें जब आती हैं तो उसमें जब पानी भर जाता है तो झील का निर्माण हो जाता है, तो वहाँ पर उसको लैगून झील उनको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है और इसका जवाब करेंगे फटाफट राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल है, द ओरिजिन ऑफ डेन्यूब रिवर इज, तो डेन्यूब जो रिवर है यानी जो डेन्यूब नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो राइट आंसर की बात करेंगे ब्लैक फॉरेस्ट से, ब्लैक फॉरेस्ट से डेन्यूब नदी निकलती है, ध्यान रखेंगे। और काला सागर में अपना जल गिरा देती है, ठीक है, यूराल पर्वत से यूराल नदी निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। मानसरोवर से तो काफ़ी नदियाँ आपका, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है ब्रह्मपुत्र आपसे बार बार पूछे तो इसको आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र जो है आपका मानसरोवर या कुमांगलूंग दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पे नीपर जो है ब्लडाई पर्वत से निकलती है, नीपर जो नदी है वो भी आपके यूरोप की इम्पोर्टेंट एक रिवर है, तो वो भी आपका ब्लडाई पर्वत से निकलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है और इसका जवाब करेंगे फटाफट राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे बसा है, वाशिंगटन डीसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो किस नदी के किनारे है, राइट आंसर की बात करेंगे तो पोटोमेक नदी के किनारे, किसके किनारे, पोटोमेक रिवर के तट पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। और हडसन के यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो इसके किनारे जो है न्यूयॉर्क है, और सेंट लॉरेंस नदी की अगर आप बात करते हैं तो इसके तट पर कौन सा आपका है, तो कनाडा की राजधानी ओटावा जो है इसी के तट पर है, किसके, सेंट लॉरेंस के तट पर जो है आपका कनाडा की राजधानी जो है ओटावा हो जाएगी, हडसन यहाँ पे न्यूयॉर्क हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है और इसका जवाब करेंगे फटाफट राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन है, शब्द कंप्यूटर सर्वप्रथम कब प्रयोग में लाया गया, व्हेन वाज वर्ल्ड कंप्यूटर फर्स्ट यूज, तो इसको जो सबसे पहले यूज में लाया गया तो लाया कब गया, इसको 1613 में।
ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश का पूर्व नाम मेसोपोटामिया था? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज फॉर्मली नोन बाई नोन एज मेसोपोटामिया? तो मेसोपोटामिया की बात की जा रही है, तो किसका नाम यहाँ पे मेसोपोटामिया था? इराक का। ध्यान रखेंगे, ईरान जो है इसका पहले क्या नाम था? तो इसका नाम पहले पर्सिया था। ध्यान रखेंगे, क्या नाम था? पर्सिया, ठीक है। ये ईरान के नाम की बात की जा रही है, ओके। तो इराक का नाम जो है मेसोपोटामिया था, ईरान का नाम जो है पर्सिया था। नेक्स्ट यहाँ पे जॉब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है? सुमेलित करना है यानी मैच्ड आपको कराना है। तो यहाँ पे देखिए, आपका संसार की जो छत है यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड, वो कौन से पामीर प्लेटो को कहा जाता है, यानी आपका पामीर के पठार को कहा जाएगा, यानी फर्स्ट आपका फोर में जाएगा, फर्स्ट फोर यानी आपका ए और बी में से कोई कोई आंसर होगा, और सी भी आपका दे रखा है, सॉरी डी भी आपका दे रखा है, मतलब सी आपका कट गया कि ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। पीली नदी वेंगो रिवर को कहा जाता है, वेंगो रिवर यानी आपका सेकेंड होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे ए भी कट गया क्योंकि यहाँ पे थर्ड दे रखा है, इन दोनों में से कोई होगा। सांपों का देश ब्राजील को कहा जाता है, यानी लैंड ऑफ स्नेक ब्राजील होगा। येलो रिवर आपका वेंगो रिवर होगी। रूफ ऑफ द यहाँ पे वर्ल्ड पामीर प्लूटो हो गया। और श्वेत कॉन्टिनेंट एंड व्हाइट कॉन्टिनेंट जो आपका है कौन है? तो अंटार्कटिक है, ओके। यानी आपका फर्स्ट का फोर्थ में, ठीक है, दोनों में सही है, फर्स्ट का फोर्थ और आपका सेकेंड का सेकेंड हो गया। उसके बाद जो थर्ड है उसका फर्स्ट होना चाहिए, थर्ड का फर्स्ट, ये आपका देखिए यहाँ पे थर्ड दे रखा है, गलत हो गया, और यहाँ पे सही दे रखा है, यानी आपका आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है, सेवन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, इसको जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है भाई, जवाब करें। वर्तमान वित्त सचिव कौन है? हु इज द प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी? तो वर्तमान जो वित्त सचिव की अगर आप बात कर रहे हैं तो कौन है इस समय? तो आपके टी वी सोमनाथन है, डी ऑप्शन, ठीक है। ध्यान रखेंगे, टी वी सोमनाथन इस समय जो क्या है यहाँ पे वर्तमान वित्त सचिव हैं, ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और जॉब करेंगे इसका फटाफट। इसको जो है आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, सेम रहेगा वही 1956, 1969, 1975, 1991 में, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यास सम्मान की शुरुआत कब की गई थी? तो ब्यास सम्मान की अगर आप बात करेंगे तो ब्यास सम्मान जो है कब इसको शुरू किया गया था, तो राइट आंसर की आप बात करेंगे तो 1991 हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले जो दिया किसको गया था, तो आपका अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो किसको दिया गया था? राम विलास शर्मा को, जो सबसे पहला ब्यास सम्मान दिया गया था राम विलास शर्मा को। और जो वर्तमान में दिया गया वो किसको दिया गया? नासिरा शर्मा को। ध्यान रखेंगे, जो वर्तमान में आपका है नासिरा शर्मा, कागज की नाव के लिए उनको दिया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नासिरा शर्मा वर्तमान 2020। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और जवाब करेंगे इसका फटाफट। क्वेश्चन है, मछली उत्पादन के मामले में भारत विश्व में स्थान पर, यानी आपको जो डैश दे रखा है उसमें फिल करना है। इंडिया रैंक्स इन द वर्ल्ड टर्म ऑफ फिश प्रोडक्शन, तो फिश के उत्पादन में यानी मछली के उत्पादन में अगर आप बात करेंगे भारत का जो स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है, ओके। तो फर्स्ट स्थान पर आपका कौन है उसको हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, कि चाइना है, जापान है या अमेरिका है, कौन है उसको जरूर बताइएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा फटाफट बताएं? चाइना, ठीक है। नेक्स्ट है, जवाब करेंगे फटाफट। ये आपके प्रोड्यूस वाले जो होते हैं वो अपडेट होते रहते हैं, एग्जाम से पहले एक बार आपको देख लेना चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है। राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अंडर विच आर्टिकल एफर्ट दे मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट ग्राम पंचायत, किसके तहत? अनुच्छेद 40 के तहत। अनुच्छेद 50 कहता है कि जो है यहाँ पे हमारी जो न्यायपालिका है, और जो हमारी यहाँ पे न्यायपालिका और भाई क्या है जो कार्यपालिका, दोनों के जो बीच कार्य का बंटवारा है उनकी बात की गई है, ठीक है, इसमें कहा गया है। और अनुच्छेद 51 में आपका जो है शक्तियों के विभाजन की बात की गई है, और अनुच्छेद 48 जो है वहाँ पे जो है पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात की गई है, ठीक है।
नेक्स्ट है और इसका जवाब करेंगे फटाफट राइट आंसर क्या है। अति विवादित बल्लभी प्रोजेक्ट निम्न में से यानी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? द मच कंट्रोवर्सियल बबली प्रोजेक्ट इन इच इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ये कहाँ पे है? राइट आंसर की अगर आप बात करेंगे तो विवादित है भाई, गोदावरी नदी पे बनाया गया है। किस पर है? गोदावरी नदी पर, महाराष्ट्र में। तो ये तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच जो है विवादित है, ध्यान रखेंगे तेलंगाना और महाराष्ट्र के मध्य, ठीक है। नेक्स्ट जॉब करेंगे फटाफट राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। इंडिया हैज मेड द मोस्ट प्रोग्रेस सिंस इंडिपेंडेंस, तो इंडिया ने जो है उत्पादन में वृद्धि की है तो मोटे अनाजों में किया है, तो मोटे अनाजों में आपका चावल और गेहूं में किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो किया है वो गेहूं के उत्पादन में किया, ठीक है। गेहूं और चावल में तो किया, दोनों संयुक्त रूप से किया। अगर गेहूं यहाँ पे नहीं होता तो हम चावल को टिक करते, लेकिन गेहूं दे रखा है ऑलरेडी तो हम गेहूं को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। जवाब करेंगे इसका फटाफट राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, द रेनबो रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो इंद्रधनुषीय जो क्रांति है उसका रिलेशन दे रखा है, तो ये किससे हो जाएगा? तो हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, नील क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, या आपकी कोई भी रिवोल्यूशन हो, ब्लैक रिवोल्यूशन, कोई भी रिवोल्यूशन, जितनी भी रिवोल्यूशन है सब जो है इंद्रधनुषीय क्रांति के तहत सबको रखा गया है। इनको जो है आपका 28 जुलाई जो 2000 में आपकी जो राष्ट्रीय कृषि नीति लाई गई थी, ठीक है, नेशनल जो एग्रीकल्चर पॉलिसी लाई गई थी 28 जुलाई 2000 में, उसके तहत जो है सबको यहाँ पे एक ही साथ कर दिया गया था। किसके तहत? इंद्रधनुषीय क्रांति के तहत, ठीक है। जितनी भी आपकी क्रांति है यानी जितनी भी रिवोल्यूशन आपकी आएंगी सभी चीज़ों की बात की जा रही है, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और इसका जवाब करेंगे फटाफट राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से लोहा एवं इस्पात संयंत्र का चुनाव करें, सिलेक्ट एन आयरन एंड स्टील प्लांट फ्रॉम दी फॉलोइंग, तो इसमें से आपका जिन स्थान पे है उसकी बात करेंगे। तो विजयनगर की अगर आप बात करेंगे तो विजयनगर क्या है? विजयनगर में लोहा इस्पात एकदम तो पहला तो सही है। हरिपुर, हरिपुर जो है यहाँ पे लोहे के लिए नहीं है भाई, ये जो आपका किसके लिए हो जाएगा? हरिपुर जो है लोहे के लिए नहीं है, तो ये किसके लिए हो जाएगा? तो ये जो है आपका यहाँ पे कोयला उत्पादन के लिए हो जाएगा। डिगबोई जो है ये तेल के उत्पादन के लिए है। मथुरा जो है आपका किसके लिए है? तो ये आपका जो है तेल के लिए यहाँ पर भी हो सकता है, और तेल मतलब यहाँ पर भी निकाला जाता है, ठीक है। तो यानी आपका इसमें जो केवल एक आंसर बन रहा है हमारा फर्स्ट आंसर, यानी केवल ए यहाँ पर सही, आपका 15 का ए केवल यहाँ पर सही होगा, ठीक है। जिससे केवल क्या है, लोहा और इस्पात आपका रिलेट करता है, जैसे बोकारो है, भिलाई है, ये सब जो है आपके कैसे हैं, लोह इस्पात वाले संयंत्र है। आपका भद्रकली जो है साउथ में है, उसकी भी बात करेंगे तो वो भी आपका इसी में आ जाएगा, ठीक है। इसका जवाब करेंगे फटाफट असुमेलित का चयन करना है, सिलेक्ट दी मिसमैच यानी जो गलत तरीके से मैच है। क्वेश्चन है चितरंजन रेल इंजन पश्चिम बंगाल, भाई एकदम सही है। चितरंजन जो रेल इंजन बनता है पश्चिम बंगाल के चितरंजन में बनता है, पहला तो सही। दूसरा कह रहा है डीजल रेल इंजन वाराणसी में बनता है, ये भी आपका सही है। सवारी डिब्बा फैक्ट्री कपूरथला पंजाब, गलत। कपूरथला पंजाब में नहीं भाई, ये कहाँ बनता है? चेन्नई में बनता है, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, चेन्नई होना चाहिए, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका मिसमैच है। आधुनिक कोच फैक्ट्री कौन है? रायबरेली, ये भी आपका क्या है, सही है। तो कपूरथला में क्या बनता है? कपूरथला में जो है रेल कोच बनते हैं, ध्यान रखिएगा रेल कोच यहाँ पे बनते हैं कपूरथला पंजाब, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है और इसका जवाब करेंगे फटाफट राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है कार्बोरेटर किस इंजन में होता है, विच इंजन हैज कार्बोरेटर, तो मतलब कौन से इंजन में कार्बोरेटर होता है, यानी जिस जो है रखता है कार्बोरेटर, तो कौन से टाइप का रखेगा? तो जो पेट्रोल इंजन होंगे वो रखेंगे, ठीक है, डीजल इंजन नहीं, पेट्रोल इंजन वाले रखेंगे, ठीक है, उनमें कार्बोरेटर लगा होता है। जवाब करेंगे इसका फटाफट राइट आंसर क्या है।
क्वेश्चन है जीपीईजी का पूरा नाम है, द फुल नेम ऑफ जीपीईजी। जीपीजी का होता है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इसका क्या है, सही है, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और इसका आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज, तो कौन है भाई, बिल गेट्स और पॉल एलन है, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे टिक किया जाएगा, ठीक है, बिल गेट्स और पॉल एलन हो जाएंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है नेक्स्ट का, फटाफट जवाब करिएगा राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आठवें अध्यक्ष जो है कौन है, हु इज द चेयरमैन 8th ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो कौन बनाया गया भाई। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो अरुण कुमार मिश्र को बनाया गया। किसको बनाया गया, अरुण कुमार मिश्र यहाँ पे जो है क्या है, इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 8वें अध्यक्ष हैं। सुशील चंद्रा की आप बात करेंगे तो इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य यहाँ पे निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आपका दो चीज़ें और दिख रहा है, अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार, क्योंकि ये आपका जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसमें होता क्या है कि दो जो है अतिरिक्त रहते हैं, यानी जो आपके अन्य होते हैं, तो अन्य में जो एक आपका राजीव कुमार होंगे, एक दूसरे अनूप चंद्र पांडे होंगे, यानी मुख्य वाले जो है यहाँ पे कौन है, सुशील चंद्रा है, दूसरे जो आपके यहाँ पे जो निर्वाचन आयुक्त कौन कौन है, राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, इसका जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है, द स्टेट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज। देखिए परसेंटेज की अगर आप बात करेंगे तो कौन है, मध्य प्रदेश। अगर बाई एरिया कहता तो एरिया में तो कौन है भाई, ईएमपी है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज हमारा मिजोरम हो जाएगा, 84% जो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, ठीक है, पहले पे है, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर आपका मेघालय, ठीक है, परसेंटेज की बात करें मतलब उनका जितना एरिया उसके हिसाब से। नेक्स्ट है, इसका जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है भाई, वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिएगा इसको और शेयर करिएगा मैक्सिमम लोग पास, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत के सिंचित प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र नलकूप के द्वारा सिंचित किया जाता है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द इरीगेटेड रीजन ऑफ इंडिया इज इरीगेटेड बाई ट्यूबवेल्स, तो कितना परसेंट यहाँ पे किया जाता है ट्यूबवेल के द्वारा, यहाँ पे 54% किया जाता है, ध्यान रखेंगे 54%, ठीक है। नेक्स्ट इसका जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंशियल ईयर 2012 and 2017 पुस्तक के लेखक हैं, द ऑथर ऑफ द बुक द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 and 2017 इज, तो किसके है, प्रणब मुखर्जी की, ध्यान रखेंगे प्रणब मुखर्जी की क्या है बुक का नाम है। प्रणब मुखर्जी को जो है 2019 में भारत रत्न दिया गया था, तो ये भी ध्यान रखना है 2019 में भारत रत्न दिया गया था। कितने लोगों को दिया गया था, तो तीन लोगों को दिया गया था, ध्यान रखेंगे तीन लोगों को दिया गया था, एक तो आपके प्रणब मुखर्जी, दूसरे जो पर्सन थे नानाजी देशमुख और जो तीसरे पर्सन थे भूपेन हजारिका, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे आपको तीनों चीज़ों को। तो तीन लोग हैं, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका संगीतज्ञ थे, नानाजी देशमुख जो है यहाँ पे समाज सेवी हैं, प्रणब मुखर्जी जो है राजनीतिज्ञ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अभी तक नहीं दिया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अभी तक जो है 2019 के बाद भारत रत्न भी नहीं दिया गया, तो आपके इंपॉर्टेंट जो बनेंगे जो 2019 में दिया गया वही वाले रहेंगे, ठीक है। इसका जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन है, क्विक हील इज, तो क्विक हील की बात करेंगे तो ये क्या है भाई, एक एंटीवायरस है, ध्यान रखेंगे एक एंटीवायरस है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और जवाब करेंगे इसका फटाफट। राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासन को शासन काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें, यानी जो शासक हैं यानी जो रूलर हैं, अरेंज दी फॉलोइंग रूलर्स इन दी
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी जो उन्होंने शासन किया उसके हिसाब से करना है। तो सबसे पहले हुमायूं एकदम सही है। हुमायूं के बाद कौन आएगा भाई? अकबर आएगा। क्यों? क्योंकि हुमायूं का लड़का अकबर है। अकबर का लड़का कौन है? जहांगीर है। जहांगीर के बाद शाहजहां आएगा। यानी पहले नंबर पे आपका हुमायूं रहेगा, यानी पहला वाला किसमें है? इसमें है, इसमें है। तो यानी ए आपके यहाँ पे दो नहीं हो सकते ऑप्शन में, मतलब सी और डी आंसर नहीं होंगे। ओके, अब ए वाला आपका, उसके बाद दूसरे नंबर पे आना चाहिए आपका दूसरा अकबर आना चाहिए। यानी देखिए यहाँ पे फोर दे रखा, मतलब ए भी आपका गलत हो गया। तो सही कौन होगा? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ होगी थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे कह रहा है दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर हमने लिखा है लेकिन है कौन सा? चौथा वाला है। ठीक है, है कौन सा? चौथा वाला भाई, ये चीज़ ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमने इसको लिख दिया था लेकिन ये गड़बड़ है क्योंकि हमने तो नंबर ही अपने आप से किया, लेकिन ये जो ए नंबरिंग ए वाला यहाँ पे लिखा गया है तो इसके हिसाब से बी वाला सही होगा। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, बी आंसर यहाँ पे सही है। ए नहीं है, ए नहीं है भाई, बी रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो है फोर्थ आपका दे रखा, जो कि फोर्थ पे आपका अकबर लिखा है। तो हमने नंबरिंग कर ली थी। ठीक है, पहले नंबर पे ए वाला आएगा, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, और ठीक है इस प्रकार से आपको कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है। तो सेकंड पे आपका देख सकते हैं, यहाँ पे सेकंड पे आपका जो है थर्ड वाला आपका जहांगीर आ गया, और जो थर्ड वाला है वो आपका सबसे लास्ट में आएगा यानी फोर्थ प्लेस पे आ जाएगा। ओके, तो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं और इसका पीडीएफ आपका जब दिया जाएगा तो उसमें भी आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जरूर जुड़े टेलीग्राम पे ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। अगर कहीं नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, आपको लिंक डायरेक्टली दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए। फाइनल बता सर, थैंक यू।